गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सीखेंगे। क्लाउड का जरूरत क्यों पड़ा? जैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर डेटा को अगर ले जाना हुआ तो ले जाने के लिए हम लोग सीडी का या पेन ड्राइव का या डीवीडी का इसका यूज हम लोग करते थे। लेकिन क्या होता था कि एक समय के बाद हमारा डीवीडी खराब हो जाता था। तो खराब हो जाता था तो प्रॉब्लम होते थे, हमारा इम्पोर्टेंट डेटा जो हम लोग डीवीडी में रखते थे वह डेटा हमारा लॉस्ट हो जाता था। तो लॉस्ट से बचने के लिए हम लोग क्या करते थे कि दो तीन डीवीडी में रखते थे। लेकिन किसी कारण से डीवीडी लॉस्ट हो गया, डेटा करप्ट हो गया, तो उसके लिए एक साइबर स्पेस आया। उस साइबर स्पेस को क्लाउड कहा गया। जो भी हमारे इम्पोर्टेंट फाइल्स थे, डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे डीजी लॉकर हुआ या सर्टिफिकेट था, हम लोग उस स्पेस पर रख दिए। वह जो स्पेस आया साइबर स्पेस, उसको हम लोग कंप्यूटर के भाषा में क्लाउड कहना शुरू किए। जैसे गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव जो है वह यूजर को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि बहुत सारे डेटा को वह अपने ऊपर, उसके ऊपर हम 15 GB तक स्पेस देता है कि हम डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं। जो हमारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हम लोग रख सकते हैं। तो गूगल ड्राइव एक तरह से क्या किया, एक क्लाउड प्रस्तुत किया। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर्स टू द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। जो किसके ऊपर काम करता है, इंटरनेट के ऊपर काम करता है, इंक्लूडिंग स्टोरेज, प्रोसेसिंग पावर एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। कोई सॉफ्टवेयर को रखना है, कोई प्रोसेसिंग पावर को रखना है, कोई पर्सनल फाइल को रखना है, सब कुछ हम लोग अपने क्लाउड के ऊपर या गूगल ड्राइव का एक एग्जाम्पल है उसके ऊपर हम लोग रख सकते हैं। इट अलाउज यूजर्स टू एक्सेस रिसोर्सेज एंड सर्विसेज ऑन डिमांड। यह जो है यूजर को ऑन डिमांड सर्विसेज प्रोवाइड करता है विदाउट द नीड फॉर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकल सर्वर। बिना किसी नीड के कोई लोकल सर्वर आप खर्चे नहीं किए हो, फिर भी आप गूगल ड्राइव पर इस तरह आप गूगल फॉर्म डिजाइन कर सकते हो, किसी से डेटा ले सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा को आप रख सकते हो। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज। यूजर्स कैन प्रोविजन रिसोर्सेज एंड सर्विसेज एज नीड। जब भी जरूरत पड़े उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर किया जाएगा विदाउट रिक्वायरिंग ह्यूमन इंट्रैक्शन विद द सर्विस प्रोवाइडर, बिना किसी ह्यूमन इंट्रैक्शन के। सेकेंड इज द ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। सर्विसेज आर एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट भाया स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल एंड डिवाइसेज। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के द्वारा या डिवाइसेज द्वारा हम लोग वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। रिसोर्स पुलिंग, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आर पुल्ड टुगेदर टू सर्व मल्टीपल यूजर्स अलाउिंग फॉर इफिशियंट यूटिलाइजेशन एंड स्केल रैपिड इलास्टिसिटी। रिसोर्स कैन बी स्केल अप और डाउन क्विकली टू मीट द चेंजिंग डिमांड। अब कोई डेटा हमको लेके जाना है दिल्ली या मुंबई, तो क्या करेंगे, हम लोग पेन ड्राइव में लेके जाते थे, या कहीं गए हैं बाहर वहाँ पर कोई सर्टिफिकेट की जरूरत है तो हम लोग क्या करते हैं, आसानी से गूगल ड्राइव या क्लाउड पर से डाउनलोड हम लोग कर लेते हैं। मेजर्ड सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज यूजेज इज मेजर्ड मॉनिटर्ड एंड बिल्ड बेस्ड ऑन द एक्चुअल कंजम्पशन। तो सर्विस मॉडल इसमें आपके मिले तीन है, IaaS, PaaS, SaaS। IaaS के अंतर्गत आपका आता है प्राइवेट क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड और पब्लिक क्लाउड। PaaS के अंतर्गत आपका आता है कम्युनिटी क्लाउड, पब्लिक क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। इसी प्रकार SaaS के अंदर आता है प्राइवेट क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। अब एक एक करके हम इस चीज का डिस्कस करते हैं। पब्लिक क्लाउड, पब्लिक क्लाउड क्या होता है? पब्लिक मतलब वैसा क्लाउड जो सबके लिए क्या हो, पब्लिकली ओपन हो। सर्विसेज आर प्रोवाइडेड ओवर ए पब्लिक नेटवर्क एंड अवेलेबल टू एनीवन हु वांट्स टू यूज देम। कोई भी इसका यूज कर सकता है। इट इज कॉस्ट इफिशियंट ऑप्शन फॉर बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल लुकिंग फॉर स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो हमारा स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्लूड करके ध्यान में रखकर बनाया जाता है। जैसे AWS इसका एग्जाम्पल है, Azure एंड GCP ऑफर ए वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज एक्सेसिबल टू द जनरल पब्लिक, जो जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करता है। ऐसे क्लाउड को हम लोग पब्लिक क्लाउड के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है प्राइवेट क्लाउड, जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का होता है जिसमें लॉक लगा रहता है। वह ऑर्गेनाइजेशन अपने चीज को वह क्लाउड के ऊपर अर्थात एक स्पेस के ऊपर रख देता है, जब भी जरूरत पड़ता है
तो जो ऑथेंटिक यूजर अर्थात उस ऑर्गेनाइजेशनल यूजर होते हैं वो उसका यूज कर पाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेडिकेटेड टू ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन एंड मे बी लोकेटेड ऑन प्रीमाइजेस और ऑफ प्रीमाइजेस। प्राइवेट क्लाउड एनवायरनमेंट्स आर डिजाइन टू मीट स्पेसिफिक सिक्योरिटी कंपाइलेंस और परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड। दे ऑफर इनहांस कंट्रोल कस्टमाइजेशन एंड प्राइवेसी बट रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट अप फ्रंट इन्वेस्टमेंट। लेकिन यह इसमें आपका प्राइवेसी होती है, यूजर नेम पासवर्ड के इसमें आपका ओपन नहीं होगा और ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आपका डेवलप किया जाता है। तीसरा होता है हाइब्रिड क्लॉज, जो आपका पब्लिक क्लॉज और प्राइवेट क्लॉज के कॉम्बिनेशन से फॉर्म करता है, जिसमें कुछ डाटा पब्लिकली रहते हैं, कुछ डाटा के लिए यूजर नेम पासवर्ड्स का यूज करते हैं। ऐसे क्लाउड को हम लोग हाइब्रिड क्लाउड के नाम से जानते हैं। Combines public and private cloud environments, allowing for flexibility and data sharing between the two. या उनके बीच में data sharing का job perform करता है। Organizations can reverse the benefits of both public and private cloud. ये दोनों तरह के clouds पर work perform करता है। Community cloud, किसी community के ऊपर के लिए space या space को लिया गया। Community cloud is a development model where infrastructure and services are shared among a specific community or group. जो एक specific community और group के लिए develop किया जाता है, ऐसे cloud को हम लोग community cloud के नाम से जानते हैं। अर्थात cloud के ऊपर हम लोग discuss किए, private cloud, public cloud, hybrid cloud और community cloud. अब सर्विस मॉडल कौन कौन से हैं? पहला मॉडल है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इसको हम लोग IaaS आस कहते हैं। IaaS प्रोवाइड्स विजुअलिटी कम्युनिटी रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट। फुल फॉर्म में पूछा जाता है कि IaaS स्टैंड्स फॉर डैश, इसका आंसर होगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इट इज विजुअलाइज्ड कम्युनिटी रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट। यूजर्स हैव कंट्रोल ओवर द ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करने ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, स्टोरेज को कंट्रोल करता है और नेटवर्किंग कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है। दे कैन प्रोविजन एंड मैनेज वर्चुअल मशीन्स, या क्या करता है, मैनेज करता है वर्चुअल मशीन्स को, स्टोरेज एंड नेटवर्क अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। किसके थ्रू करता है? अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स के थ्रू काम करता है। जैसे इसका एग्जाम्पल में गूगल कंप्यूट इंजन। दूसरा होता है आप इसमें कम्युनिटी का क्लाउड, करना है आपका पास, इसको हम लोग प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस कहते हैं। पास ऑफर्स ए प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग द टेस्टिंग एंड डेवलपिंग एप्लीकेशन। यूजर कैन फोकस ऑन एप्लीकेशन डेवलपमेंट विदाउट वरिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के छोड़कर इसको ध्यान में नहीं रखे भी काम करता है। इट प्रोवाइड्स मैनेज द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द सर्वर स्टोरेज एंड नेटवर्किंग। किस चीज को इंक्लूड करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर को, सर्वर्स को, स्टोरेज को और नेटवर्क को करता है, जिसका एग्जांपल आपका गूगल ऐप इंजन हुआ, AWS हो गया, Elasticsearch, ये सब आपके इसके एग्जांपल्स हुए। तीसरा होता है SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। SaaS डिलीवर्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट, जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है ऑन ए सब्सक्रिप्शन बेसिस। यूजर्स कैन एक्सेस एंड यूजर एप्लीकेशन डायरेक्टली थ्रू ए वेब ब्राउजर। यूजर जो है वेब ब्राउजर के थ्रू डायरेक्ट इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। द प्रोवाइडर होस्ट एंड मैनेज द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन एंड डेटा। इसका एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, गूगल वर्क स्पेस। बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड, क्लाउड की क्या बेनिफिट्स हैं? कॉस्ट, सर्विस सेविंग, कॉस्ट बचता है, सब कुछ गूगल ड्राइव पर या इस तरह के जो ड्राइव होते हैं उस पर रखने से कॉस्ट बचता है। पे फॉर व्हाट यू यूज विद नो अप फ्रंट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। सेकेंड इज स्केलेबिलिटी, इसको आसानी से हम लोग रिसोर्स अप और डाउन इन्वेस्टमेंट डिमांड कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल है ये आपका, रिलायबल है। कोलेबरेशन, इनेबल सीम्स टू कोलेबरेट एंड डेटा शेयरिंग एवं टीम्स, आसानी से कोलेबरेट कर सकते हैं। कॉमन क्लाउड कंप्यूटिंग के यूज केस, डेटा स्टोरेज एंड बैकअप तैयार होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग आसानी से कर सकते हैं। वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाउड जो भी डेटा होते हैं वह कहाँ, क्लाउड के ऊपर रहते हैं। डिजास्टर रिकवरी को भी, अगर डाटा कहीं पर डिलीट हो गया तो हम लोग क्लाउड से उसको रिकवर कर सकते हैं।
क्लाउड के कुछ आर्किटेक्चर्स होते हैं। इट रेफर्स टू द डिजाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, जो हमारे डिजाइन और स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स को। इट इन्वॉल्व वेरियस एलिमेंट दैट वर्क टुगेदर टू डिलीवर क्लाउड सर्विस एंड इंश्योर रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, जिसको यह हमारा इसका रिलायबल होता है, स्केलेबल होता है और सिक्योर होता है, जिसके या आपकी एक NIST आर्किटेक्चर ऑफ द क्लाउड हमने रिप्रेजेंट किया है। इसमें क्लाउड कंज्यूमर होते हैं, क्लाउड ऑडिटर होते हैं, क्लाउड ऑडिटर के अंदर का सिक्योरिटी ऑडिट होता है, प्राइवेसी ऑडिट होता है, परफॉर्मेंस ऑडिट, ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है जो आपका क्लाउड सर्विसेज को डिपेंड करता है। क्लाउड कंज्यूमर, क्लाउड में कंज्यूमर कौन होते हैं? एंड इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन डेट एंगेजेस इन ए बिजनेस पार्टनरशिप विद क्लाउड प्रोवाइडर्स एंड यूटिलाइजेस देयर सर्विसेज, जो सर्विसेज को प्रोवाइड करता है या यूटिलाइज करता है उसको हम लोग क्लाउड कंज्यूमर कहते हैं। क्लाउड प्रोवाइडर पर्सन ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी दैट इज एकोमोडेट फॉर ऑफरिंग द सर्विसेज, जो ऑफर करता है उसको क्लाउड प्रोवाइडर करते हैं। क्लाउड ऑथर ऑडिटर ए पार्टी कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग एंड इम्पार्शियल इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड सर्विसेज एज वेल एज एक्सेसिंग द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी एंड ऑपरेशन ऑफ द क्लाउड, उसको हम लोग क्लाउड ऑडिटर करते हैं। क्लाउड ब्रोकर एंड एंटिटी रिस्पॉन्सिबल मैनेजिंग यूटिलाइजेशन परफॉर्मेंस एंड डिलीवरी ऑफ द क्लाउड सर्विसेज। अगला होता है क्लाउड कैरियर एंड इंटरमीडियरी डेट फैसिलिटेट द कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्शन ऑफ क्लाउड सर्विसेज फ्रॉम क्लाउड प्रोवाइडर टू क्लाउड कस्टमर, जो कि क्लाउड प्रोवाइडर से क्लाउड कस्टमर के बीच डेटा को ले जाता है, उसको हम लोग क्लाउड कैरियर के नाम से हम लोग जानते हैं। अप फ्रंट प्लानिंग, जो ऊपर की ओर प्लानिंग करने के काम करता है, टेस्ट परफॉर्मेंस करता है। सिक्योरिटी फर्स्ट इम्प्लीमेंट द रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस, जो सिक्योरिटी चेक करता है कि अनऑथराइज्ड ऑथेंटिक पर्सन डेटा को एक्सेस नहीं कर सके। डिजास्टर रिकवरी रेडलाइंस ऑटोमेटिकली रिकवरी प्रोसेसेस टू मिनिमाइज द कॉस्टली डाउन टाइम एंड इंश्योर स्विफ्ट रिकवरी फ्रॉम सर्विस डिस्टर्बेंस, यह भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैक्सिमम परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, कम कॉस्ट में अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हैं ड्यू टू क्लाउड कंप्यूटिंग। कंक्लूजन क्या निकालते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग इनेबल्स द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, सर्विसेज को प्रोवाइड करता है किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। इलिमिनेट द नीड फॉर द लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना जरूरत नहीं है। Key characteristics of the cloud computing include on-demand self services, broad network access, बहुत बड़े नेटवर्क को लोग एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिकली प्राइवेटली हाइब्रिड क्लाउड जो होते हैं और भी सुविधा प्रोवाइड करते हैं। सर्विस मॉडल के रूप में हमारा IaaS, PaaS एंड SaaS हमारे प्रोवाइड होते हैं, जो हमारा स्केलेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, रिडेबल होता है और जिससे हम लोग कहीं भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। कुछ बात रिमेंबर करने की है, अंडरस्टैंड यूर स्पेसिफिक नीड्स फॉर रिक्वायरमेंट, ये सब ये चीज़ हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि एक स्पेस है जहाँ पर हम अपने डेटा को सेव करके रख सकते हैं, कहीं भी हम लोग उसको फेच कर सकते हैं और यह बहुत सिक्योर होता है, कोई अनऑथेंटिक पर्सन इसको एक्सेस नहीं कर सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटा को जरूर बजाएं।